नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज टेक्नीशियन का फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आज ही है, यानी कि 8 तारीख को आपका लास्ट डेट है। कहां से फॉर्म ज़्यादा फिल हो रहे हैं उसका एक सर्वे फिर से मैंने कराया है, लेकिन ये आपके टेक वन का है। टेक थ्री का ऑलरेडी मैंने यानी कि टेक थ्री और टेक वन का कंबाइंड रूप से मैंने सर्वे कराया है, तो उसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक का, जो कि इडुका जोन द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पर आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स के सभी तरह के जितने भी सिलेबस है सभी को इंक्लूड किया गया है। प्लस यहाँ पर आपको 300 पेपर भी मिल जाते हैं, 2500 MCQ मिल जाते हैं, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है आरपीएफ के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जल्दी जाके इसको परचेज कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कि पहले कि फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो मैं 100% अब आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि फॉर्म का डेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दे रखा है कि 9 तारीख से जो है वो आपका क्या होगा कि फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉर्म डेट बढ़ता है तो मॉडिफिकेशन लिंक को भी खसकाया जा सकता है, तो दो चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन कभी भी सर्वर का कोई ऐसा इशू नहीं आया जिसकी वजह से वो अलग से आपको एक्स्ट्रा डे दे सके। और चूंकि वैकेंसी भी अब रेगुलर आपकी आनी है, हर एक साल आनी है, तो वो ये सोच के नहीं बढ़ाएंगे कि इस बार अगर आपने गलतियां की है तो अगले बार आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये 100% श्योर मान के चलिए कि आपका फॉर्म का जो डेट है वो नहीं बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो डेटा मेरे पास आया है, जो आपका ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले आपके ये वाला शेयर किया था, टेक्नीशियन का जो फॉर्म है, आपने ग्रेड वन हो या PCM हो या ग्रेड थ्री हो, कहाँ से फॉर्म भरा है उसका डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे इसमें नहीं भी देख पाएंगे होंगे क्योंकि इसमें जुड़े नहीं होंगे, तो जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको हर एक चीज़ का डेटा आपको पहले ही पता चल जाए। लेकिन अब मैंने जो सर्वे किया है वो आपके ग्रेड वन का सर्वे किया है, टेक्नीशियन ग्रेड वन का जो फॉर्म है वो कहाँ से आपने फिल किया है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, अहमदाबाद में अच्छी खासी, उसके बाद भोपाल, उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर में आप देखेंगे कि 14% जो है लोग, फिर गुवाहाटी अच्छी खासी, और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे जो 60-40 इसलिए दे रखा है क्योंकि ये दो ही इसमें पोल इंक्लूड थे जिसकी वजह से बट गए, ऑप्शन ही इनको नहीं मिला अन्य का, और हालांकि ऑप्शन नीचे दे रखा था। तो सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम में वैसे भी कम जाते हैं। आप नीचे जाइएगा तो मुंबई में सबसे ज्यादा आप देखिएगा, मुंबई में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यानी कि टॉप 5 जोन की बात करें तो सिकंदराबाद में, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद अगर हम बात करें गुवाहाटी में, और ये आपका एक अहमदाबाद, ये सब जो जोन है वो टॉप 5 जोन में आते हैं जहाँ पे कि फॉर्म फिल ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस बात से कतई मतलब नहीं है कि आपका फॉर्म फिल अगर ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा ही वहाँ पे कट ऑफ जाएगा। आप देखेंगे कि कट ऑफ है ऐसे जोन का कम जाता है जहाँ पे फॉर्म ही मतलब कि ज़्यादा फिल हुए हैं, और कम जहाँ पे फॉर्म फिल हुए वहीं पे ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो पेशेंसली आप जिस भी जोन को फिल किए हैं वो आप बनाए रखिए, कि ऐसा नहीं है कि आपने जिस जोन का फॉर्म फिल किया है वहाँ से आपका जो है वो क्लियर नहीं होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।